हाय फ्रेंड्स, आइए आज खूबसूरत सा डिजाइन बनाते हैं रेडीमेड लुक में। ये दो रो और दो फंदा का डिजाइन है, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। इसको किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं। लेडीज स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, गर्ल्स टॉप, कैप पे, बच्चों के स्वेटर पर, किसी भी प्रोजेक्ट पर डालिए। बहुत ही प्यारा डिजाइन है ये और बहुत ही आसान है। ये दो रो का डिजाइन है और दो फंदा का डिजाइन है। ये दो रो में कंप्लीट हो जाता है और दो फंदा का ये डिजाइन है। तो आज मैं इसी डिजाइन को आप सभी के साथ शेयर करूंगी। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि समझ में आए कि कैसे बना हुआ है। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं इस डिजाइन को बताना। देखिए, ये पहला फंदा है तो इसको हम सीधा सीधा बुन लिए। अब यहां से ये डिजाइन शुरू होगा। तो ये देखिए, धागा अपने तरफ लाएंगे और यहां पर एक फंदा हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे और इस धागा को इसके ऊपर से हम लाएंगे। फिर अब यहां पर क्या करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर देखिए, इस फंदा को हम स्लिप कर लिए, इसके ऊपर से हम एक फंदा लाएंगे और यहां पर एक फंदा उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से सेम रिपीट करना है। देखिए, इस फंदा को हम स्लिप कर लिए और इसके ऊपर से एक फंदा लाए, फिर हम यहां पर एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर देखिए, एक फंदा स्लिप कर लिए, इसके ऊपर से एक फंदा हम लाएंगे, फिर एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, एक फंदा स्लिप कर लिए, इसके ऊपर से एक फंदा हम लाएंगे, फिर हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर देखिए, एक फंदा स्लिप कर लिए, इसके ऊपर से एक फंदा लाएंगे हम इस तरह से, और फिर एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। सेम रिपीट करना है इस डिजाइन को इसी तरह से। बहुत ही आसान डिजाइन है ये और बहुत खूबसूरत लगता है। जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं उसके बाद इस डिजाइन में फंदे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि ये फंदा ना थोड़ा सा फैलता है, तो इसमें हम फंदा बढ़ाएंगे नहीं। जैसे हम स्वेटर में 10 फंदा, 5 फंदा, जो भी होता है 15 फंदा हम बढ़ाते हैं बॉर्डर बनाने के बाद, तो इसमें नहीं बढ़ाना है इस डिजाइन में, क्योंकि ये थोड़ा सा फैला फैला सा होता है डिजाइन। अब देखिए, इसको दूसरा रो अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक फंदा उल्टा बुनेंगे। एक फंदा उल्टा हो गया। अब जो फंदा हम ऊपर से ये लिए थे, उस फंदा को हम इधर से उल्टे की तरफ से हम स्लिप कर लेंगे। इस फंदा को हम बुनेंगे नहीं, इस फंदा को इसी तरह स्लिप कर लेंगे। अब फिर हम दो फंदा उल्टा बुनेंगे, दो फंदा उल्टा। फिर देखिए, इस फंदा को हम स्लिप कर लेंगे और फिर दो फंदा उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से पूरा रो हम बुनेंगे। इस फंदा को स्लिप कर लिए, अब फिर हम दो फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर देखिए, इस फंदा को हम स्लिप कर लिए और फिर दो फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर इस फंदा को हम स्लिप कर लिए और फिर दो फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर इस फंदा को हम स्लिप कर लिए और दो फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर देखिए, इस फंदा को स्लिप कर लिए और दो फंदा हम उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से पूरा रो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पूरा रो कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए, ये डिजाइन भी कंप्लीट हो गया। दो रो में ये डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। अब हम दूसरा डिजाइन जब निकालेंगे इसके ऊपर, तो जिस फंदा को हम स्लिप किए थे उस फंदा को अब इस बार हम क्या करेंगे, बुन लेंगे। तो ये पहला फंदा है तो हम इसको इसी तरह ले लिए बिना बुने हुए। अब यहां पर धागा अपने तरफ लाएंगे। अब यहां पर देखिए, इस फंदा को हम स्लिप किए थे, पहला फंदा को स्लिप किए थे। अब क्या करेंगे, दूसरा जब हम डिजाइन निकालेंगे तो इस फंदा को बुन लेंगे। इसलिए बुनेंगे कि ये जाके डिजाइन आगे जाके प्रॉपर बैठेगा, नहीं तो उल्टा सीधा हो जाएगा फिर। और अब यहां पर देखिए, इस फंदा को जैसे उल्टा हम बुन लिए,
अब उल्टे की तरफ से क्या करेंगे, अब सॉरी सीधे की तरफ से दूसरा जब हम डिजाइन निकालेंगे तो इस फंदा को हम उल्टा बुन लिए। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इन दो फंदा को हम उल्टा बुनेंगे इस तरह से, सॉरी इस फंदा को हम उल्टा बुनेंगे, दो फंदा को हम लेकर पहले बुन लेंगे इस तरह से, दो फंदा को लेकर हम बुन लिए। अब यहां पर क्या करेंगे, इस फंदा को हम स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा को फिर इसके ऊपर से इसी तरह से हम धागा उतारेंगे और फिर दो फंदा को हम एक साथ बुनेंगे, फिर ये एक फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर इन दोनों के ऊपर से इस तरह से हम फंदा उतारेंगे और फिर दो फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर इस फंदा को हम स्लिप करेंगे, फिर इसके ऊपर से हम दो फंदा उतार के दो फंदा बुन लेंगे और एक फंदा को हम फिर स्लिप करेंगे। इसी तरह से पूरा रो हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से दूसरा राउंड में क्या करते हैं कि जो फंदा हम स्लिप करते हैं उस फंदा को हम बुन लेते हैं और फिर जिस फंदा को हम बुनते हैं उस फंदा को हम स्लिप कर लेते हैं। तो इसी तरह से ये रो कंप्लीट हो गया। ये देखिए अब फिर यहां पर क्या करेंगे, दूसरा रो में इस फंदा को हम स्लिप कर लेंगे, अब फिर यहां पर दो फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर इस फंदा को हम स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर इस फंदा को स्लिप कर लेंगे, दो फंदा उल्टा बुनेंगे। बार बार हम इसी तरह से रिपीट करेंगे, ये डिजाइन बन के अपने आप आ जाएगा। देखिए कितना आसान और खूबसूरत डिजाइन है ये। ये देखिए इस तरह इस फंदा को स्लिप कर लिए और दो फंदा उल्टा बुन लिए, फिर इस फंदा को हम स्लिप कर लिए दो फंदा उल्टा बुन लिए, फिर इस फंदा को हम स्लिप कर लिए दो फंदा उल्टा बुन लिए, फिर इस फंदा को स्लिप कर लिए दो फंदा उल्टा बुन लिए। ये डिजाइन बन गया। इसी तरह से इस डिजाइन को हम बार बार बनाएंगे तो बनके ये इस तरह से आएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और स्वस्थ रहें, खुश रहें, फिर मिलती हूँ मैं कुछ नए डिजाइन लेकर आप सभी के साथ।